सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Hello students, welcome to new lecture of electrochemistry. Electrochemistry में हम लोग last class में electrochemical series को define किए थे, उसी को continue करेंगे। एक important information के basic concept in chemistry का class कुछ दिन रुका हुआ है, जैसा कि पता है तबीयत ठीक नहीं रहने के वजह से हम बीच में लेक्चर नहीं आ पाया, और ये चूँकि 12 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा रुक कर भी आएगा तो कोई ज़्यादा हम लोगों को परेशानी नहीं है, वो भी आएगा, कंटिन्यू होगा। फिलहाल 12 पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बात करें। एक चीज़ और हमने कई बार कहा है लेकिन फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटिंग नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग लाइक भी करें, तो इसको कंटिन्यू रखने में हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम डिफाइन किए थे कि जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रोड बन सकता है, एंड एवरी इलेक्ट्रोड हैज़ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालने के बाद उन सारे एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और यही जो टेबल या सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है, इसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज या ईएमएफ सीरीज भी कहते हैं। इस सीरीज में जो हमने बताया था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस सीरीज को समझाने के लिए हमने उस सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा है क्योंकि ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बुक में दिया हुआ है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, इसको सिर्फ समझना है, और इसीलिए हमने उस सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन लिया है। लेकिन ऑर्डर सही है, बहुत सारे एलिमेंट को, मैक्सिमम एलिमेंट को छोड़ दिया है हमने, बीच बीच से कुछ यहाँ पर लिया है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फीचर्स क्या है उसको देखिए, जो क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करेगा। नीचे लिखना है आपको फीचर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फीचर्स। सबसे पहले इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसे टॉप में रखा गया है और सबसे ज्यादा वाला नीचे। टॉप में, सबसे टॉप में है लिथियम, यह हाफ रिएक्शन दिखाए गए हैं, मतलब जब इसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रोड पर जब ये रिएक्शन होगा तो इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, इसलिए इसे हाफ रिएक्शन से दिखाया गया है। वैसे हम इसे लिथियम इलेक्ट्रोड, पोटासियम इलेक्ट्रोड, सोडियम इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, अल्मोनियम इलेक्ट्रोड ऐसे पढ़ते हैं। तो इस सीरीज में सबसे टॉप पर है लिथियम, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे लो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का लिथियम का होता है, और फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते गए नीचे आते जा रहे हैं, आते आते बॉटम में सबसे नीचे है फ्लोरीन, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं
उनमें सबसे हाई वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का फ्लोरीन। एक और चीज़ नोट करने वाली बात है, ये जो यहाँ हाइड्रोजन दिखाया गया है, हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस निगेटिव में है और उसके नीचे जितना है वो पॉजिटिव। इस सीरीज को अगर हम स्टडी करें तो इससे जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरह का है। पहला पॉइंट कि जैसे जैसे हम इस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो इन एलिमेंट का रिड्यूसिंग कैरेक्टर घटता जाता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाता है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स decreases मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा लिथियम, और जैसे जैसे नीचे आएंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर घटने लगेगा और घटते घटते यहां पर आके मिनिमम होगा। एक बात याद रखना, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कंप्लीमेंट्री है, जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे अगर हम कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है टॉप में मतलब लिथियम, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बॉटम में मतलब फ्लोरीन। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है और सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। सो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent or fluorine a strongest oxidizing agent। अब इस फीचर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बनाने के लिए आपको एक सिंपल रिलेशन याद रखना है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें अल्मोनियम और मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और अल्मोनियम कम,
क्योंकि इसका वैल्यू लो है और इसका वैल्यू उस तुलना में ज़्यादा है। इसको याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर अप इनवर्स है, उल्टा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। कई बार क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ देता है, तो अगर एक बार रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर आपने पता कर लिया तो उसी का अपोजिट ऑर्डर कर देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर पता चल जाएगा। दूसरा फीचर, दूसरा फीचर है कि हाइड्रोजन के ऊपर एक चीज और रिएक्टिविटी, पहले बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे सीरीज में बढ़ेंगे मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाती है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस बट दैट ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस। इस सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ने लगेगा, मेटल के लिए रिएक्टिविटी कम होने लगेगी जबकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी। मतलब लिथियम से कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे भी कम पोटासियम, उससे भी कम सोडियम, उससे भी कम मैग्नीशियम, उससे भी कम अल्मोनियम घटती जा रही है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो मेटल लेस रिएक्टिव है। ऊपर में जितने भी हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जबकि जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम याद रखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तीसरा फीचर, इस सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं वो जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन इस सीरीज से नीचे में जो मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जैसे अल्मोनियम को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जिंक को रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन कॉपर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा क्योंकि यह हाइड्रोजन के नीचे है। मेटल्स एवब हाइड्रोजन इन द सीरीज
react with dilute acids to give H2 gas. इस सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर में है वो सभी मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा, 5 इंपॉर्टेंट मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे में है वो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड प्लेटिनम। ये 5 मेटल हाइड्रोजन के नीचे में हैं और ये 5 में से कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अगला फीचर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो फीचर्स है इसको कई अलग अलग ढंग से लिखा रहता है अलग अलग बुक में, लेकिन लिखने का तरीका अलग भले ही हो लेकिन सबका रिजल्ट या मतलब एक ही है। और यह है कि वो मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो डिस्प्लेस करता है उस मेटल को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। मेटल्स विथ लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिस्प्लेस द मेटल हैविंग हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू from their salt solution. मतलब क्या हुआ कि जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मेटल उस मेटल को डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। जैसे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखेंगे तो इसमें जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक यहां है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर यहां है जिसका ज्यादा। तो जिसका कम है वो मेटल उस मेटल को कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कहां से, सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। मतलब जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के घोल से जब रिएक्शन करता है तो घोल से कॉपर मेटल निकलते हैं और जिंक सल्फेट बन जाता है। लेकिन वहीं पर कॉपर मेटल जिंक सल्फेट से रिएक्शन नहीं करेगा, हमेशा जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिएक्शन करेगा उस मेटल के सॉल्ट से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और उस मेटल को उस सॉल्ट से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी को हमने लिखा है मेटल्स विथ लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और इसका हाई
कॉपर का हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला मेटल हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट से। इसको क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म विथ लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म विथ हाई रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत सारा, खास करके कंपिटिटिव लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए इस पॉइंट से आप फायदा उठा सकते हैं कि जिस मेटल का या एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म रिएक्शन कर जाता है उस मेटल के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पर अक्सर बच्चे को रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्फ्यूज़न होता है, उसके लिए हम बता दें कि रिड्यूस्ड फॉर्म से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनता है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिड्यूस्ड फॉर्म बनता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनाता है, तो जिंक का ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों में से जिस दोनों में तुलना करते हैं उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ऐसे भी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आप याद रख सकते हैं। अब इस सीरीज ये फीचर्स थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है अपने से नीचे वाला को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि वो लो वाला हाई वाले को डिस्प्लेस करता है। मतलब मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, टेन, ये सब को डिस्प्लेस कर देगा लेकिन ये मैग्नीशियम, सोडियम या पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस सीरीज में ऊपर वाले मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है, मतलब जिसका वैल्यू कम है वो हाई वाले को डिस्प्लेस करता है। इस पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए जो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे वो एनसीईआरटी से लेंगे हम लोग क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.1,
एरेज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे in which they displace each other from the solutions of their swords. इसमें दिया हुआ है अल्मोनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। क्वेश्चन है कि इन मेटल को आप उस ऑर्डर में अरेंज करें जिसमें ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ध्यान दें तो इन सारे मेटल में सबसे टॉप में है मैग्नीशियम, उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको अल्मोनियम, उसके नीचे आपको जिंक है, उसके नीचे आयरन है और सबसे नीचे कॉपर है। मतलब मैग्नीशियम इन चारों मेटल को डिस्प्लेस करेगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसिंग पावर है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इन सब का उनसे ज्यादा। अल्मोनियम इन तीनों को डिस्प्लेस करेगा लेकिन मैग्नीशियम को नहीं करेगा, जिंक इन दोनों को डिस्प्लेस करेगा लेकिन इन दोनों को नहीं, आयरन सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इन तीनों को नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसिंग पावर मैग्नीशियम का, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैल्यू बढ़ रहा है, ये डिस्प्लेसिंग पावर उसका कम होता जा रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर ये है, यह है आंसर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.1 का। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.2 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स in the increasing order
of their reducing character, given that यहां पर कुछ मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसने दे रखा है और आपको कहता है इन मेटल को उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। जैसे दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मरकरी इलेक्ट्रोड का प्लस 0.79 वोल्ट, और दिया हुआ है आपको मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 वोल्ट, और वैल्यू दिया हुआ है आपको क्रोमियम इलेक्ट्रोड का -0.74 वोल्ट, और दिया हुआ है आपको वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर इलेक्ट्रोड का पोटासियम इलेक्ट्रोड का सिल्वर इलेक्ट्रोड का और दिया हुआ है पोटासियम इलेक्ट्रोड का पोटासियम इलेक्ट्रोड का है 93। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 5 इलेक्ट्रोड या 5 मेटल का दिया हुआ है, मरकरी का, मैग्नीशियम का, क्रोमियम का, सिल्वर का और पोटासियम का, और आपको कह रहा है इन मेटल्स को आप उनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब जो सबसे कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है उसको सबसे पहले रखिए, उससे ज़्यादा पावरफुल वाले को उसके बाद, उससे पावरफुल वाला उसके बाद, और सबसे पावरफुल वाले को सबसे लास्ट में रखना है आपको। तो हम लोग इसका आंसर के लिए हम क्या पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में के रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्स होता है, उल्टा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे कम होगा। तो यहां पर सो द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज, सबसे कम वाला पहले लिखेंगे। सबसे कम किसका होगा? जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। इन सारे मेटल में सबसे ज्यादा वैल्यू सिल्वर का है। इसका मतलब इन सारे मेटल में सबसे कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सिल्वर है, उससे ज्यादा मरकरी है। जैसे जैसे वैल्यू घटने लगेगा रिड्यूसिंग पावर बढ़ने लगेंगे। इससे भी ज्यादा वैल्यू आपका क्रोमियम का है, इससे भी ज्यादा होगा मैग्नीशियम और
सबसे ज़्यादा इन सारे एलिमेंट्स में सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आपका पोटासियम है, जिसका वैल्यू सबसे कम है वो सबसे पावरफुल होगा। इस तरह से क्वेश्चन जब देगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको देख लेना है, जिसका वैल्यू कम है उसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, जिसका ज़्यादा है उसको कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। इसी तरह से मेटल का रिएक्टिविटी भी पूछे, तो हम जो फीचर्स लिखे हैं उस बेसिस पर रिएक्टिविटी के भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए 3.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.3 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग उतारेंगे नहीं, टाइम बचाने के लिए सिर्फ समझा देते हैं आपको। तो इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, इस तरह से एक रिएक्शन दिया हुआ है गिवन, जिंक सॉलिड प्लस 2 सिल्वर बराबर सिल्वर प्लस जिंक आयन। हम क्वेश्चन को उतार नहीं रहे, देख लेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया है, उसको आप देख लेंगे। ये एक रिएक्शन दे दिया है और इस रिएक्शन के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें आपको कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज है, उसके बाद इच इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैरी कौन करेगा। तो याद रखना, इसमें क्वेश्चन को आप बना लेंगे, हम सिर्फ समझा देते हैं। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, तो रिएक्शन जब दिया रहे तो हमने सिखाया था जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड है और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड है। मतलब इस सेल में, जिस गैल्वेनिक सेल का ये रिएक्शन है, उस सेल में एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड। आप चाहें तो इसका सेल डायग्राम लिख सकते हैं। सेल डायग्राम में क्या सिखाए थे कि लेफ्ट साइड में एनोड लिखना है, राइट साइड में कैथोड। तो एनोड है ऑक्सीडेशन वाला, जिंक वाला, तो जिंक इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और पैरेलल लाइन देंगे और राइट साइड में हम सिल्वर इलेक्ट्रोड को लिखेंगे। यह है सेल डायग्राम। इसमें यह एनोड है लेफ्ट वाला, एनोड इसमें निगेटिव होता है और यह कैथोड है जो पॉजिटिव होता है। सेल डायग्राम में हमेशा एनोड लेफ्ट साइड वाला है, कैथोड राइट साइड वाला है। और ये जो पैरेलल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को बताता है, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है, तो ये वाला है। सेल रिएक्शन यहाँ पर अलग अलग सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड का रिएक्शन जिंक कन्वर्ट होगा, जिंक आयन में लिख देंगे।
और ये कैथोड का रिएक्शन सिल्वर आयन कन्वर्ट होगा सिल्वर में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.3 है, जिसको ब्रीफली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप उसे बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।